हाय एवरीवन, कैलकुलेट डेल्टा जी एट 300 केल्विन फॉर दी 2NO प्लस O2 से 2NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। गिवन आपको क्या है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू आपको नेगेटिव में दे रखी है। तो देखिए, डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब देखिए, आपको डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो दी हुई है -120 किलो जूल। ओके, और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है -150 जूल पर केल्विन। तो इस किलो जूल को अपन किस में चेंज कर लेंगे, जूल के अंदर। जैसे आप इसको जूल के अंदर चेंज करोगे तो 10^3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो -120 × 10^3 जूल, ठीक है, ये डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी। अब इस फॉर्मूला के अंदर सारी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो देखिए, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू -120 × क्या लिखोगे, 10^3, फिर माइनस। ओके, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन। तो 300 केल्विन × डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है -150 जूल पर केल्विन। तो -150 जूल पर केल्विन ये किस में था अपना, जूल में। तो जूल पर केल्विन ये आपकी वैल्यू है, तो इसमें पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया तो जूल बचा। ओके, तो आप सेम वैल्यू हो गई, सेम वैल्यू आपस में क्या कर सकती हैं, घट भी सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो देखिए, -120 × 10^3 है, तो आप इसको -150 को 300 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये है 45,000 आएगा। ओके, 1,20,000 में से 45,000 जब आप माइनस करते हैं तो इक्वल्स टू अपने पास में आता है 75,000। और ये सारी की सारी वैल्यू किस में है, जूल में। तो ये भी किस में आएगा, जूल में। और किसका, नेगेटिव का। तो ये भी किस में आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। अब जूल आपको आंसर किस में दे रखे हैं, किलो जूल में। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब जूल को किलो जूल में चेंज करोगे, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा, जो जूल है इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10^-3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, किलो जूल में। -3 से ये +3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में कितना आया, -75 किलो जूल। ओके, आंसर क्या आ गया, -75 किलो जूल। अब देखिए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन आया उसमें देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें -75 किलो जूल अपना आंसर मिले। तो इसमें ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, लेकिन जो करेक्ट आंसर वो है कौन सा है, -75 किलो जूल। तो ये 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 2 किलोग्राम ऑफ वाटर इन वेसल एट वॉट टेम्परेचर शैल बॉइल। ठीक है, KB4 वाटर आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि कौन से टेम्परेचर पर जो भी सॉल्यूशन वो बॉइल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसका पता होना चाहिए। तो डेल्टा टी वी इक्वल्स टू क्या होता है, KB × m, और स्मॉल m क्या है यहाँ पे, मोलेलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मोलेलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलेलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होगा, इन किलोग्राम। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट के हैं, वो सॉल्यूट क्या दिया हुआ आपको, ग्लूकोज दिया हुआ है। सबसे पहले इस ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या होता है, जो भी ग्राम में वेट दिया होता है सॉल्यूट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट।
ओके, तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कार्बन 6 है, इसलिए 6 × 12 है। कार्बन का जो मॉलिकुलर वेट होता है 12 है। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 12 है, ठीक है। और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 6, ठीक है। तो इसका जब आप ऐड करोगे इसको मॉलिकुलर वेट को, तो आपके पास में आएगा 180, ठीक है। आप देखिए इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं, आपको 30 ग्राम दे रखा है, 36 ग्राम दे रखा है, तो 36 / 180, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2/10 आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 2/10, या क्या लिख सकते हो, 0.2। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने पास में आ गया है 0.2, और आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में 2 किलोग्राम दिया हुआ है, तो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, मोलिलिटी। तो मोलिलिटी स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 0.2 / 2 किलोग्राम सॉल्वेंट दिया हुआ, तो 2 लिखेंगे नीचे। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, नीचे जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में जो मोलिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0.1। अब आप क्या करोगे, जो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू एम इंटू के बी वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ओके, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू मोलिलिटी आपको दी हुई है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ओके। और आपको जो के बी है, ये सिर्फ के बी की वैल्यू है भाई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मोलिलिटी की वैल्यू देख लिखनी है, वो कितनी अभी अपन ने कैलकुलेट करी है, वो कितनी है, 0.1, और मोल पर किलोग्राम है, तो मोल पर किलोग्राम, ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर किस में आएगा, डेल्टा टी बी की वैल्यू किस में आएगी, केल्विन में। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.052 केल्विन। ओके, जब 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.052 आएगा। अब देखिए डेल्टा टी बी इक्वल्स टू होता है टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी क्या है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी कैसा, प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे क्या दिया हुआ, वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप लिख सकते हो इसको 373.15 केल्विन। ओके, तो इसकी वैल्यू अपन रख देंगे, डेल्टा टी बी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है केल्विन के अंदर। तो देखिए डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या हो गया, टी बी माइनस टी बी नोट, तो 0.052 केल्विन इक्वल्स टू टी बी आपको कैलकुलेट करना है, प्योर सॉल्वेंट की आपको पता है 373.15। ओके, तो टी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जब माइनस का इधर है तो इधर इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 373.15 प्लस 0.052, और ये सारी की सारी वैल्यू किस में आएगी, केल्विन में आएगी, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 373.202 केल्विन। अब आपको ऑप्शन के अंदर केल्विन में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो वैल्यू अपने पास में आई नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन मैक्सिमम जो 3 ऑप्शन है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिए हुए हैं। तो देख लेंगे 373.202, तो माइनस करेंगे 273.15। ओके, जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ग्लूकोज मिलाने के बाद में जो आपके पास में सॉल्यूशन बना है वाटर के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। अब केल्विन को जब डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर चेंज किया है तो माइनस किया है 273.15, और जब डिग्री सेंटीग्रेड को अपन किस में चेंज करेंगे, केल्विन के अंदर चेंज करेंगे, तो क्या करते हैं, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू दे रखी है उसके अंदर प्लस कर देते हैं 273.15, ठीक
ठीक है, तो अपनी जो वैल्यू होती है वो किस में आ जाती है, केल्विन में आ जाती है। ठीक है, तो केल्विन को कैसे चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, और डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे चेंज करना है केल्विन में, ये आपको समझ में आ गया सबको। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया है। व्हेन 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, वैक्यूम आपको वर्ड ध्यान रखना है, यहाँ पे वैक्यूम आपको दिया हुआ है, अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 20 लीटर। ठीक है, 4 लीटर जो गैस का वॉल्यूम है वो 20 लीटर तक क्या होता है एक्सपेंड करता है। कैलकुलेट द वर्क डन, जब ये एक्सपेंड करता है तो उस दौरान कितना वर्क हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। और ये जो रिएक्शन जो एक्सपेंड हो रहा है वो आइसोथर्मली हो रहा है और इनटू वैक्यूम के अंदर हो रहा है। तो देखिए, जो वो वर्क डन होता है, वर्क डन या आप कह सकते हो W, अगेंस्ट जब भी कांस्टेंट प्रेशर या अगेंस्ट प्रेशर जब निकाला जाता है तो माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V होता है। और जब वैक्यूम आपको दिया हुआ है, वैक्यूम में जो पी एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है अगेंस्ट जो प्रेशर होता है वो होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को आप डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स इस दौरान जो वर्क डन कितना होगा, 0 जूल। तो ऑप्शन डी इज राइट, इजी है, वैक्यूम आपको चेक करना था। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन देगा और अंदर वैक्यूम एक वर्ड डाल देता है। ठीक है, तो वैक्यूम होते ही उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है वो ज़्यादा होगी वो आपको चेक करना है। तो देखिए, जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा। मीन्स जो भी अनोदर एलिमेंट है उसको रिड्यूस करने की जो पावर होती है वो क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग पावर, या वो एजेंट क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है किसका है और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी आपको पोटेंशियल दिए हुए हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो देखिए, Ag+ से Ag में चेंज हो रहा है, क्रोमियम+3 से क्रोमियम, कॉपर+2 से कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, और एल्यूमिनियम+3 एल्यूमिनियम में रिड्यूस हो रहा है। मीन्स सारे के सारे जो पोटेंशियल दिए हुए, कौन से पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। उसके बाद चेक करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे कम है, तो माइनस में जो ज़्यादा होता है वो कम होगा। मीन्स एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इट मीन्स उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है, सबसे ज़्यादा है, या अपन कह सकते हैं कि ये स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए होते तो क्या करते आप, सबसे पहले उन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज करते। देखिए, जो ऑप्शन है अपना एल्यूमिनियम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 इज राइट।